Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss an upload. हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम यानी थ्री डिजिट नंबर्स। थ्री डिजिट में आगे आपको बताती हूँ क्या होता है। थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम यानी तीन अंकों में संख्या को घटाना, इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे और आज आपको मैं यही सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये पता करना जरूरी होता है, तीन डिजिट जब आती हैं तो उसमें हमें तीन संख्या मिलती है। तीन संख्याओं को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कहाँ पर आती है और किसको क्या बोलते हैं। देखिए बच्चों, जब हम शुरू करते हैं तो एक ब्लॉक, इन्हें बोलते हैं बेस 10 ब्लॉक्स। सबसे पहले आता है एक ब्लॉक जो वंस कहलाता है। वंस यानी इकाई, हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में उसे बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो अब देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया तो ये क्या है, एक, तो ये हो गया वंस, इंग्लिश में वंस, हिंदी में इकाई, ठीक है। अब इनको हमने एक पर एक करके 10 ब्लॉक हमने इकट्ठा किए तो 10 वाले हो गए टेंस यानी दहाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको हमने इकट्ठे लिए तो ये हो गए 100 यानी 100, 100 हो गए सैकड़ा, तो इसे हम बोलते हैं बेस 10 ब्लॉक्स यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। चलिए इसको आगे मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए, अब इनको रखते कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है ये 377, तो इसका ये प्लेस जो है, इसको हिंदी में बताया जाता है जहाँ पे 7 लिखा है, 7 लिखा है, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो ये तीन डिजिट हो गई ना, थ्री डिजिट क्वेश्चन यानी तीन अंकों वाला शब्द, तीन अंकों वाला नंबर। अब ये क्या है, यहाँ पे ये बच्चों होता है, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू वर्क मैट। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू वर्क मैट, यानी एक चार्ट बनाना और चार्ट में उन अंकों को, उस अंक को, जो भी अंक आपको दिया गया है उसको जगह पर लिखना, उसे बोलते हैं वर्क मैट। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्क मैट बनाया, एक ये स्क्वायर बना के उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक तरफ लिखा है मैंने वंस, ये देखिए, दूसरी तरफ लिखा है टेंस, फिर लिखा है हंड्रेड्स। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ओ टी और एच, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 377 यानी 377, ठीक है, तो 77 में 7 हमारा कहाँ पर है, ये क्या है, इकाई यानी वंस। तो यहाँ पे मैंने 7 ब्लॉक्स रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसमें वंस क्या है 7। अब इसमें टेंस क्या है, सेवेंथ है, ये देखिए यहाँ पे टेंस के प्लेस पे भी 7 है यानी दहाई के स्थान पे भी 7 है, तो अब यहाँ पे हमें 10 के टावर रखने हैं, कितने, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी हमने टावर 10 वाले कितने रखे, 7, तो यानी वंस के प्लेस में आया 7 क्योंकि यहाँ पे था 7 और टेंस के प्लेस पे था भी 7, तो यहाँ पे मैंने 7, 10 टावर रखे। आप हंड्रेड्स की जगह पे कितने हैं, 3, यानी 100 वाले कितने रखने, 3, 1, 2 और 3, तो ये हमारा नंबर बन गया 377। तो यानी कहने का मतलब है, जब आपको कोई क्वेश्चन आता है कि इस अंक को वर्क मैट में रखिए या वर्क मैट में फिक्स करिए, तो कैसे आप करेंगे, पहले तो वो अंक देखेंगे, ठीक है। जैसे अंक हमारे पास ये लिखा है 377, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस के प्लेस में यहाँ पे 7 था, कुछ भी नंबर हो सकता है, 5, 6, 1, 2, समथिंग 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको, नंबर को चेक करेंगे और उतने ब्लॉक्स यहाँ पे वंस पे रखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 रखेंगे, ठीक है।
अब टेंस की प्लेस पे देखेंगे कितने हमें टेन टावर बनाने। टेन टावर मान लीजिए यहाँ पे दो हैं, टू, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या रखेंगे, वन और टू बस। और हंड्रेड्स की प्लेस में अगर दिया गया है कि टू या वन या कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए टू है, तो हम के हंड्रेड से कितने ड्रॉ करेंगे, वन एंड टू। ये तो मैंने आपको बताया आज अभी कि प्लेस वैल्यू वर्क मैट में नंबर को कैसे रखते हैं। तो ये है वर्क मैट, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू वर्क मैट। इसमें नंबर्स को रखना कैसे लिखते हैं ये अभी मैंने आपको बताया ब्लॉक्स, ठीक है, इसको आगे और डिटेल में मैं बताती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया, एक चार्ट बनाया है, जिसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वंस। वंस का मतलब, और इसका शॉर्टकट क्या है, ओ, ठीक है। वंस का मतलब कहाँ से, एक नंबर से आप स्टार्ट करेंगे और नौ नंबर तक के जितने भी नंबर होते हैं वो हो गए आपके वंस, क्योंकि वो उनमें एक ही डिजिट होती है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। कहने का मतलब है नौ तक के जितने नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, वंस। अब नौ के बाद यहाँ पे दो नंबर हो गए दस, तो यानी अब ये हमारा टेन टावर, यानी दस को एक को दस मिलाया, दस एक साथ रख दिए तो टेन टावर बन गया, एक टावर बन गया, तो दस से ऊपर के नंबर टेंस कहलाते हैं। अब जैसे ये क्या है, टेंस, इसको हमने शॉर्टकट में बोला टी, ठीक है। तो अब टेंस कौन कौन से हुए, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी 80 और 90 तक के, यानी दो डिजिट, सिर्फ दो नंबर जब लिखे जा रहे हैं तो वो हो गया टेंस। फिर दो से किस में कन्वर्ट हो गया, तीन, अब 90 से 100 में आ गए, 90 से 100 पे आ गए, तो तीन डिजिट होगी ना, एक दो तीन, तो अब ये क्या कहलाएगी हमारी, हंड्रेड्स। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एच, ठीक है। तो अब हंड्रेड्स में क्या नंबर, 100 से लेके 100 से लेके कहां तक हो गए, 900 तक, 900 तक के, तो ये 100 से। अब ये तीन से ऊपर चली गई, कितने हो गए, चार डिजिट, एक दो तीन चार, तो अब हम इसको बोलेंगे थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को कैसे लिखते हैं, टी एच। अब ये कहाँ से गए, 1000 से लेके 9000, हजार से लेके 9000 तक के, 10,000, ठीक है। अब हमें कितने हो गए, ये पांच डिजिट हो गए, एक दो तीन चार और पांच, अब हम इसको बोलेंगे 10,000। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, टी टी एच। तो इसी तरह से बच्चों वर्क प्लेस वैल्यू में इसी तरह से आपके नंबर्स बढ़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाती है उसको हम प्लेस वैल्यू वर्क मैट में इस तरह से रखते हैं और उसको इस तरह से शॉर्टकट में बोलते हैं। 10,000 के बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियंस, इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ता जाता है। डेसिमल्स पे भी होते हैं और आगे एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है, बहुत ज़्यादा आगे डिस्क्राइब नहीं करना है, अभी सिर्फ खाली इतना बताना है कि प्लेस वैल्यू वर्क मैट में आपको कैसे नंबर्स रखने हैं। जैसे वंस एक डिजिट वाले, टेंस दो डिजिट वाले, हंड्रेड्स तीन डिजिट वाले, थाउजेंड फोर डिजिट वाले, 10,000 फाइव डिजिट वाले, 100,000 सिक्स, मिलियंस सेवन, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना ही इनफ है, इतना ही काफी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको ये समझ में आया कि प्लेस वैल्यू वर्क मैट में कौन सी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 245 माइनस 126, 245 में से मुझे 126 को घटाना है, और ये कैसी डिजिट है, तीन डिजिट के क्वेश्चन है, वन टू थ्री, थ्री डिजिट है ना, तो अब थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन में आपको पहले सिखा रही हूँ, तीन डिजिट को घटाना आपको सिखा रही हूँ कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले इनकी पोजीशन पे रखा, वंस की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर हैं, 5, 245 से हमें 126 घटाना है, तो वंस की पोजीशन पे है 5 और इस नंबर के वंस की पोजीशन पे है 6, दोनों को वंस की पोजीशन पे रखा। फिर
फिर आ गया टेंस, टेंस की पोजीशन पे ये है इसमें फोर, तो ये हो गया फोर, इसमें टेंस की पोजीशन पे है टू, दोनों को टेंस की पोजीशन पे रखा। फिर 100 की पोजीशन पे आया 245 में दो, और 126 में 100 की पोजीशन पे है वन, तो यानी 245 माइनस 126, इसको पहले हम इस तरह से इनके एक के नीचे एक करके रखते हैं, यानी एक तरह से इनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे इकाई दहाई और सैकड़ा की पोजीशन पे रखते हैं, जिससे जब हम इनको घटाएं या जब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमसे गलत नहीं है। ठीक है, तो वंस की पोजीशन पे वंस के दोनों नंबर रख दिए, टेंस की पोजीशन पे टेंस के दोनों नंबर रख दिए, हंड्रेड की पोजीशन पे हंड्रेड के दोनों नंबर रख दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब तरीका नंबर एक क्या होता है, वो तो हमने आपको पोजीशन रखना बताया मैंने आपको, अब क्या है, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो हमें नंबर दिया गया है उसको ब्रेक करना, तोड़ना। अब 245 में 200 क्या है, 200 है, 200 है, 200, 40, 45, 45 यानी 45, यानी 40 टेंस है और 5 वंस है। अब हम इसको एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 245, यानी इसको ब्रेक करके लिखना, वंस, टेंस और 100 की पोजीशन में लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो 245 को हमने ब्रेक किया तो 200 में टूटा, 40 में टूटा और 5 में टूटा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे पोजीशन को बनाते हैं। ठीक है, 100, टेंस और वंस, क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अब दूसरा नंबर था हमारे पास 126, 126 को हमने तोड़ा तो 100 टेंस और वंस की पोजीशन में तोड़ने पे 100 से 100, टेंस है 20 और वंस है 6, तो इनको हमने ब्रेक करके मैंने आपको बताया कि कैसे बनाते हैं वंस, टेंस और 100, एक नंबर से किसी भी नंबर को कैसे ब्रेक करना है, कैसे उसमें देखना है कि वंस, टेंस और 100 कैसे बनाए, किस पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो ये हो गया वंस, ये टेंस और ये 100। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ पहला तरीका सब्ट्रैक्शन करने का, घटाने, 245 से 126 घटाना है तो क्या करता है, हम 200, मेरा पॉइंट था 200, 100 पोजीशन पे से हम किस पे आ गए, 100 पे, यानी हमें कितने घटाए होंगे, 100, तो यानी अगर हम 245 में से 100 को घटा दें, 100 कदम पीछे चले तो हम कहां पर आ जाते हैं, 145 पे। ठीक है, अब यहां पे हमें कितना घटाया है, 145 से हमने 2 से 1 पे आ गए, 200 से 100 पे आ गए, बस अब हमें इससे नहीं घटाना। अब हम जाएंगे टेंस पे, टेंस में हम कहां से आ रहे हैं, 40, 40 से कहां पे आ रहे हैं, 20 पे, तो यानी हमें कितने टेंस और घटाने, 40 से 20 में जाना है, तो दो कदम पीछे चलेंगे, 40 से 30, 30 से 20, तो अब हम 145 से हमने 10 और घटा दिए तो हम आ गए 135 पे, एक टेंस घट गया, घटाने कितने थे, दो, दूसरा घटाया माइनस 10, तो अब हम आ गए 125 पे। ठीक है, तो अब हम आए आ गए 245 से हमने पहले 100 घटाया, फिर 10 घटाया, फिर 10 घटाया, तो आ गए 125 पे। अब हमारी यहाँ पे पोजीशन क्या है, 5, और हमें कितना घटाना है, 6, अब हम इसमें से 6 कदम पीछे चलेंगे तो हम अपनी सही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और पता चल जाएगा कि हमें घटाने का नंबर कौन सा आएगा। अब 125 से एक कदम पीछे चले तो आ गया 124, दो कदम पीछे चले 123, तीन कदम पीछे चले 122, चार कदम पीछे चले 121, पांच कदम चले 120, छह कदम चले 119, तो हमारा नंबर क्या आ गया, 245 माइनस 126 हो गया 119, यानी कहने का मतलब है 245 से 126 को घटाने के लिए सबसे पहले हम 100 की पोजीशन देखते हैं कि 100 कितने से कितना कम हुआ है। जैसे यहाँ से 200 से 100 पे आ गए तो यानी कितना कम करना है, 100 कदम पीछे चलना है, यानी 100 को घटा देना है,
तो 245 से 100 पीछे आएगी तो हो गया 145। ठीक है, अब टेंस में 40 था, यहाँ पे 20 था, तो कितना घटाएंगे, 10 और 20 यानी दो कदम पीछे आएंगे। तो अब हमने 10 घटाया, टेंस पीछे आए तो हो गया 135, फिर टेंस घटाया तो हो गया 125। ठीक है, अब हमें कितना घटाना है, 5 में से 6 कदम पीछे आने, तो 6 कदम पीछे चले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हम जिस नंबर पर आ गए वो हो गया हमारा 119, यानी 245 माइनस 126 इक्वल्स 119, 119। ठीक है, तो ये तो था बैक टू नंबर, ठीक है, यानी पीछे चला, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, अब 245 से 126 को घटाना है, तो अब आप ये देख रहे हैं 5 में से 6 को घटाना थोड़ा कठिन होता है, तो अगर हम ऐसा नंबर 126 में एक ऐसा नंबर बना लें जो 5 से आसानी से घट जाए तो हमें ये करना और भी आसान हो जाएगा। तो 126 को हमने तोड़ लिया 125 और 1 में, 125 और 1, तो अब हमने क्या किया, 245 में से 125 को घटाया तो हो गया 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, तो आ गया 120। लेकिन अभी हमें एक नंबर और घटाना है, तो क्या करना है, 120 माइनस 1 इक्वल्स 119, 119। तो आपको बच्चों जो तरीका अच्छा लगता हो, बैक टू नंबर जाना आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उससे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो ब्रेकिंग इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी इजी तरीका। ठीक है, कि जितना आपने जो नंबर है जिसको घटाना है उसमें सबसे पहले वंस की पोजीशन पे देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको घटाने पर लास्ट में जीरो आ जाए, उस नंबर से ब्रेक कर दीजिए और जितना बचा है उसको फिर से घटा दीजिए। यानी हमने 126 को ब्रेक किया था 125 और 1 में, तो पहले हमने 125 को घटाया फिर एक और घटाया तो हमें जो आना है आंसर वो हमें मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 376 माइनस 295, 376 माइनस 295। सबसे पहले मैंने इनको प्लेस वैल्यू वर्क मैट के हिसाब से इनकी पोजीशन पे रख लिया, वंस के नीचे वंस की डिजिट, टेंस के नीचे टेंस की डिजिट और 100 के नीचे 100 की डिजिट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को उसको पोजीशन पे रखना है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से बताया था, 376 में क्या क्या है, 300 प्लस 70 प्लस 6, 295 में क्या क्या है, 200 प्लस 90 प्लस 5। अब हम देखेंगे 6 में से 5 को लेस करना टफ है और इधर 70 में से 90 को लेस करना भी टफ है, तो अब हमने क्या किया, बैक टू नंबर वाला फॉर्मूला पहले सबसे पहले ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से एक 100 उठा के हमने 70 को दे दिया, 70 को दे दिया, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 170। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 200 और ये हो गया 170 और ये 6, नीचे वाला एज इट इज रहेगा 290 और 5। चलिए आगे चलते हैं, देखिए अब इसको हम घटाएंगे। अब हमने क्या किया कि 6 वंस की जगह जगह पे हमने सबकी पोजीशन रख दी जो हमने ब्रेक किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, 200 170 और 6, 6 में से 5 को लेस किया 1 आया, 170 से 90 को लेस किया 80 आया, 200 से 200 को लेस किया तो 0 आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 376 माइनस 295 इक्वल्स 81। ठीक है, चलिए अब आगे इसको बताती हूँ मैं और आगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम यानी लिखित क्वेश्चन। गीता हैड 368 रुपीस इन हर पर्स, शी बॉट ए बुक फॉर 123 रुपीस, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स। क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ये है, गीता ने 368 रुपए उसके पर्स में है, ठीक है, उसने 123 रुपए की एक किताब खरीदी,
अब उसके पर्स में कितने पैसे बचे, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 368 माइनस 123 को पोजीशन पे रखेंगे। वंस की पोजीशन पे रखा, टेंस की पोजीशन पे 100, 368 को हमने इस तरह से लिखा। घटाना कितना था, 123। 123 को भी वंस, टेंस और 100 की पोजीशन पे रख लिया। अब इनको हम घटाएंगे, 8 माइनस 3 इक्वल्स 5, 6 माइनस 2 इक्वल्स 4, 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। तो उसके पास में कितने पैसे बचे हैं, 245 रुपए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन को उसकी पोजीशन पे रखिए, फिर उसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, मिया हैज 762 स्टिकर्स, शी यूज्ड 367 ऑन हर क्लास वर्क प्रोजेक्ट, हाउ मैनी डज मिया हैव लेफ्ट। क्वेश्चन है कि मिया के पास 762 स्टिकर्स हैं, उसने अपने क्लास वर्क प्रोजेक्ट एक बना रही है, एक अपना वर्क कर रही है, उसमें उसने 367 अपने स्टिकर्स को इस्तेमाल कर लिया। अब उसके पास कितने स्टिकर्स बचे हैं, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम वही करेंगे, इसको 1, 10, 100 की पोजीशन पे रखा, 762, ठीक है, 762 को सबसे पहले मैंने पोजीशन पे रखा, फिर उसके नीचे 367 को घटाना है, उसको उसकी पोजीशन पे रखा, 367। अब हमें क्या करना है, 2 से 7 नहीं घटता, नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, 6 इसको एक हासिल या एक कैरी ओवर दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12, यानी एक 10 टावर इसको दे देगा, तो ये हो गया 10 और आ जाएंगे, तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा, इसने एक दे दिया है, तो ये हो जाएगा 5। तो अब 12 में से 7 को घटाना आसान है, यानी 12 में से 7 को लेस किया तो कितना आया, 5, यहाँ कितना बच गया था, 5। अब 5 से 6 को लेस करना भी हार्ड है, नहीं हम नहीं लेस होगा, तो अब हम इसके पास जाएंगे। अभी हमने 7 से एक कैरी ओवर लिया, तो ये 5 का कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया 7 की जगह, 6, ठीक है, ये हो गया 7 की जगह 6। अब हम 15 में से लेस करेंगे 6 को, तो आंसर आएगा 9, आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ कितना बचा था, 6, 6 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 395। कितने स्टिकर्स उसके पास बचे हैं, 395, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, मिस्टर जॉन्स हैज 496 स्टिक्स, ही यूज्ड 179 फॉर मेकिंग ए क्राफ्ट, हाउ मैनी डज ही हैव लेफ्ट। मिस्टर जॉन्स के पास 496 स्टिक्स हैं, जो क्राफ्ट स्टिक्स होती हैं आप यूज करते हैं ना क्राफ्ट बनाने में, तो 496 स्टिक्स हैं उनके पास, उन्होंने 179 की स्टिक्स को उन्होंने एक कुछ बनाने में, कोई क्राफ्ट बनाने में यूज कर दिया। अब उनके पास कितनी स्टिक्स बची हैं ये पता करना है, तो इसको करने के लिए देखिए हम फिर से आएंगे। हमने क्या किया, 496 को 1, 10 और 100 की पोजीशन पे रख ली, ठीक है, फिर घटाना कितना है, 179, इसको भी हमने 1, 10, 100 की पोजीशन पे रख लिया, ठीक है। अब कैसे घटाएंगे, 6 में से 9 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से हम इससे एक कैरी ओवर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 की जगह 16, एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 9 की जगह कितना बचा है यहाँ पे, 8, 8, 8 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 1, फिर यहाँ पे था 4, 4 में से 1 को घटाया 3, तो यानी कितनी स्टिक्स उसके पास बची हैं, 317, यानी 317। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है कैसे करना है सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन, 3 डिजिट क्वेश्चंस को सबसे पहले उनकी पोजीशंस पे रखिए, ठीक है, फिर उसके बाद उनको 1 से स्टार्ट करते हैं,
वंस यानी इकाई से स्टार्ट करते हैं। इकाई से घटाना शुरू करिए, अगर नंबर घट रहा है तो उसको घटाइए, नहीं तो हाथ से लीजिए, कैरी ओवर लीजिए, और वो कैरी ओवर 10 से बढ़ जाता है, तो यानी जैसे यहाँ पे 6 से 16 हुआ तो 10 बढ़ जाएगा, तो 6 का जो भी नंबर है वो उतना नंबर बढ़ जाता है, 10 नंबर बढ़ जाता है। तो उसमें से उसको घटा के वंस की पोजिशन पहले सॉल्व करते हैं, फिर टेंस की सॉल्व करते हैं, फिर 100 की सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, माइकल हैज 347 रुपीस, ही स्पेंड 241 रुपीस फॉर ए बुक, हाउ मैनी ही हैव लेफ्ट। माइकल के पास 347 रुपए थे, उसने एक किताब खरीद ली 241 रुपए की, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं हमें ये पता करना है। चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उसकी पोजीशन पे रखेंगे, 347 को सबसे पहले हमने वंस, टेंस और 100 की पोजीशन पे रखा, अब इसमें से हमें 241 को घटाना है, 241, 7 माइनस 1 इक्वल्स हो गया 6, 1 से स्टार्ट किया, फिर टेंस पे आए, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, तो हमारे पास तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 106 रुपए, 106 रुपीस उसके पास बचे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन पे रखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अब ये बच्चों मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनको आपको पढ़िए और उनको प्रैक्टिस करिए, उनको सॉल्व करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, अमित हैज रीड 691 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक, गीता हैज रीड 295 पेजेस of that story book, who has read more pages and how many more? क्या क्वेश्चन है, अमित ने एक स्टोरी बुक पढ़ी है जिसके उसने 691 पेज पढ़ लिए, गीता ने उसी स्टोरी बुक के 295 पेज पढ़ लिए, किसने ज्यादा पढ़ी है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100 की पोजीशन पे क्वेश्चन को रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए किसका आंसर क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सैम हैज 571 फुटबॉल कार्ड्स एंड 321 बेसबॉल कार्ड्स, हाउ मैनी मोर फुटबॉल कार्ड्स ही हैव। सैम के पास फुटबॉल के कार्ड्स कितने हैं, 571, और बेसबॉल के कार्ड्स कितने हैं, 321, उसके पास कौन से कार्ड्स ज्यादा हैं और कितने, ये हमें निकालना है। तो यानी सबसे पहले क्या करना है, 571 से 571 से 321 को लेस करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप पोजीशन पे रखिए, वंस, टेंस, 100 की, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 298 अडल्ट्स एंड 96 चिल्ड्रंस आर इन द पार्क, हाउ मैनी मोर अडल्ट्स आर इन द पार्क। एक पार्क में 298 बड़े लोग हैं, यानी मम्मी पापा सीनियर्स हैं, एंड 96 बच्चे हैं, तो 96 बच्चे और 298 बड़े हैं, कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा, आपको ये निकालना है, यानी सब्सट्रैक्ट करना है, तो 298 से 96 को घटाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इनके आंसर बताती हूँ, मैंने इनको सॉल्व किया है, देखिए सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, 691 पहला क्वेश्चन था, 691 में से 295 को घटाया तो आंसर आएगा 386। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था, 571 में से 321 को घटाया तो आंसर आएगा 250। तीसरा क्वेश्चन था, 298 में से 96 को घटाया तो आंसर आया 202। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू वर्क मैट के हिसाब से वंस, टेंस, 100 की पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्शन जैसे या तो बैक टू नंबर से करिए अगर आपको वो इजी लगता है, अगर नहीं तो उसको पोजीशन पे रख के आप वंस, टेंस और हंड्रेड को लेस करके इस तरह भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम और सेम प्रॉब्लम, थ्री डिजिट वर्ड प्रॉब्लम वर्क वैल्यू प्लेसमेंट वैल्यू से करने से ईजी हो जाता है, रखना आसान होता है, राइटिंग साफ बनती है आपकी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती नहीं होती है। तो जो मैंने आज आपको सिखाया उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, और ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, इनको देखिए, इनको सॉल्व करिए, उसके बाद इनको आंसर बताइए इनके, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर टाइम दे रही हूँ, तब तक करिए आप इनको। हाँ तो बच्चों, चलिए अब मैं आपको इनके आंसर बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन था 139 माइनस 110 इक्वल्स हो जाएगा 29। नंबर टू क्वेश्चन था 156 माइनस 134, आंसर आएगा 22। 780 माइनस 578 इक्वल्स 202। 325 माइनस 204, आंसर आएगा 121। 474 माइनस 136, आंसर हो जाएगा 338। 642 माइनस 413 इक्वल्स 229। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को मैंने सब्ट्रैक्शन में थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन करना सिखाया। कैसे करते हैं, सबसे पहले उनको अपनी पोजीशन पे रखिए, फिर सब्ट्रैक्शन को वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड सो ऑन, इस तरह से आपको उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन पे रखना है, फिर सब्ट्रैक्शन को करना है। अगर वन से वन लेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं लेस हो रहा है तो कैरी ओवर लेना है, यानी हमें हासिल लेना है और उसको आगे सॉल्व करना है वंस, टेंस, हंड्रेड से। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही इजी है। आप आगे, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।